एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम जानते ही हो, लेकिन एक कुर्सी की ताकत का अंदाजा सही ढंग से तुमको समझाने के लिए प्राइम वाले चचा जनवरी के महीने में तांडव मचाएंगे। गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है? एक राजगद्दी वाली कुर्सी जिस पर बैठने के लिए हजारों लाखों लोगों की बलि देने के बाद एक बंदा या फिर बंदी अपने सर पे ताज सजा के दुनिया को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है। अब इस कॉन्सेप्ट में राजनीति यानी पॉलिटिक्स का तड़का लगा दो और लोकेशन विदेश की जमीन से हटाकर हमारे इंडिया में शिफ्ट कर दो। लो, तांडव तैयार हो गया। हमारे हीरो हैं नवाब साहब उस सैफ अली खान जिनकी मंजिल है राजा की कुर्सी यानी प्रधानमंत्री उस प्राइम मिनिस्टर अपने नाम के आगे लिखवाना। दुश्मन बहुत सारे हैं, टेनेट की सीक्रेट सुपरस्टार डिंपल कपाड़िया से लेकर छोकरों को जवान करने वाली गौहर खान और वासेपुर के लाला रामाधीर सिंह। चेस का गेम खेला है कभी? काली गोटी वर्सेस सफेद गोटी, राजा रानी घोड़ा ऊंट सेनापति। ये ऊपर वाले महारथी सब काली गोटी है तो सैफ भैया के पास खुद की सफेद गोटियों की फौज तैयार है। गुत्थी वर्जन 2.0 सुनील ग्रोवर इनके सेनापति हैं और सारा मैडम होंगी इनकी रानी। घोड़ा ऊंट इन सबकी जगह पे आप जीशान आयुब और कृतिका कामरा को सकते हो जिनका इस्तेमाल सही समय पे किया जाएगा। अब शो का एक्स फैक्टर क्या है वो समझो। हीरो और विलन अलग अलग नहीं है, खुद सैफ अली खान हीरो भी हैं और विलन भी। मारेंगे भी ये, बचाएंगे भी ये। खेल धोखे का है, इश्क और जंग इनमें सब कुछ जायज है। इश्क है पीएम की कुर्सी और जंग है पूरे देश की जनता से जिसका भरोसा जीतकर नवाब साहब एक एक करके अपने रास्ते से दुश्मनों का पत्ता साफ करेंगे। अब पॉलिटिक्स का शो है तो कॉन्ट्रोवर्सी तो होगी भैया, नहीं जब तक ट्विटर पे बॉयकॉट गैंग एक्टिव ना हो तब तक शो सुपरहिट वाली कैटेगरी में आएगा कैसे। देश में चल रहे फार्मर प्रोटेस्ट से लेकर जेएनयू में स्टूडेंट वर्सेस गवर्नमेंट का मशहूर पंगा और कॉलेज के अंदर धुनाई, सब कुछ जैसे का तैसा रियल लाइफ से उठाकर तांडव में रिक्रिएट किया जाएगा। हाँ, एक चीज और है जिस पे ध्यान देना काफी जरूरी है। ये जो तांडव को ओरिजिनल बताकर मार्केट में उतारा जा रहा है ये झूठ है, सफेद झूठ। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज है हाउस ऑफ कार्ड्स जिसको राजनीति की दुनिया की इंसाइक्लोपीडिया समझ सकते हो आप। फ्रैंक क्लेयर और डग ये तीनों इस शो के सुपरस्टार हैं जिनको हूबहू फोटोकॉपी मार्केट तांडव में देसी वर्जन के साथ उतार दिया गया है। डर इस बात का भी है अली अब्बास जफर शो के क्रिएटर हैं जो खाली पीली जैसा आंखों का जहर और ओड टू माय फादर को भारत बनाकर कत्ल कर चुके हैं। कहीं इस बार हाउस ऑफ कार्ड्स की शामत तो नहीं आने वाली है। लेकिन सैफ है तो सेफ है, ये डायलॉग कब से दिमाग में घूम रहा था, फाइनली बोझ हल्का हुआ। बंदे में टैलेंट कूट कूट के भरा पड़ा है। लाल कप्तान, तानाजी, सेक्रेट गेम्स और अब तांडव। लाला सैफ अली खान टैलेंट का कुआ है जो पूरे बॉलीवुड की प्यास बुझा सकता है। अब आपको करना क्या है वो समझ लो। मिर्जापुर पाताल लोग ये सब एंजॉय किए थे ना, तो बस 15 जनवरी को अमेज़न प्राइम की महफिल में शामिल हो जाना। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए फैसला उसी दिन कर लेंगे। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।